कविराज श्यामल दास, न तो मेरी आवाज साथ देती है न मेरी कलम की स्याही। मैं एकलिंगनाथ का दीवान प्रताप सिंह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक अपनी मातृभूमि को वापस न ले लूं, रक्त की आखिरी बूंद तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा। अचानक एक दिन, आओ आओ युवक, जा एकलिंगनाथ की सेवा कर। गुरुदेव की जय हो। रानी साहिबा, अपराध सभा हो। ये लहू रोती हुई शाम, ये लहरों के कफन। तब पद्मिनी के पास अपने आप को जहर ज्वाल अग्निदेव में समर्पित करने के सिवाय और कोई चारा न बचा। इसी वंश के राणा भोजराज की पत्नी मीरा ने प्रेम और भक्ति की जो मिसाल कायम की। पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा जी भेजा। 1500 वर्षों से चली आ रही ये गौरवशाली परंपरा आज भी अनवरत जारी है। वो रहे महाराणा विक्रमादित्य। गजब हो गया धाइमा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मेरी राह का काटा दूर हुआ। क्या कहा पुत्र? कुंभलगढ़ में मिठाइयां बांटी जा। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। समूचे राज्य को मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं है। बौड़ाओ। आप बुरा न माने तो एक निवेदन करूं राणा साहब। हाँ हाँ बोलिए रानी साहब। मुझे लग रहा है आपने कुंवर प्रताप को तलहटी में भेज तो दिया है, पर कहीं वो भीलो राजपूत युवक के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र ना रच ले। अच्छा, राणा साहब ने इसलिए इन्हें तलाटी पे रखा है। प्रताप तलहटी में रहेंगे तो मेरा मन भी उन्हीं में अटका रहेगा। तलहटी में प्रताप भीलों के साथ शौर्य और पराक्रम के पाठ पढ़ता रहा। महाराणा साहब से कहिए कि हम कल समय पर उपस्थित हो जाएंगे। माँ बायन की तलवार जब स्वयं जयवंती बाई ने अपने हाथों से अपने पुत्र को सौंपी तो नजारा कुछ और ही था। ये सबसे गौरवशाली कुल के पितामह बापा रावल और महाराणा हमीर की खड़ग है। ये कोरा झूठा अभिमान नहीं, शौर्य और स्वाभिमान की महान निशानी है। इसे साक्षात बायन माँ ने दिया है। इसे मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद लो कुंवर। यह तलवार साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, अपने सच्चे हक के लिए सदैव उठी है। बायण माँ तुझे शक्ति प्रदान करे। जा, आघात कर। प्रताप ने अपने शौर्य का डंका बजाया। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। हाँ,
अब हुई ना बात। नवा पुत्र गद्दी पर बैठ गया और पाटी पुत्र को खारिज कर दिया गया। क्या दाजी राज की चिता के समक्ष ये समस्त राजनीतिक विवाद करना उचित है? और आज ये निर्णय किया गया है कि कुंवर पाटवी प्रताप सिंह ही राजगद्दी के असल हकदार हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को, और कुंवर प्रताप बन गए महाराणा प्रताप। सरदार आपने याद फरमाया जिल्ले इलाही? जिल्ले इलाही नहीं फरजन, हमें फूफा कहो। और सभी राजपूतों से कहो कि वो भी हमें फूफा बना दे, चाहे तो जीजा बना दे। और सरद रहे, ये जिहाद नहीं एकता का सूत्र है अकबरे आजम का। अकबरे आजम हिंदुस्तान पर राज करेगा। नैन सिंह जी, हुकुम। जलाल खान साहब का पूर्ण बंदोबस्त किया जाए और बाहर से सुलह के प्रस्ताव को झेलते रहे, यही आदेश एकलिंग नाथ का है। क्या मतलब? बहुत खूब, विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं। ना तो मुझे वो जागीर चाहिए, ना वो राज्य जो मुझे भीख में मिले। धरती माँ की कोख में क्षत्रियों का अकाल नहीं पड़ा। अच्छी कोच करी कुंवर साहब, विशेषकर तुम डोरिया ठाकुर। महाराणा साहब ने कहलवा भेजा है जे आप अपने फूफा के जोर पे आओ तो जहाँ मौका मिला वही खातिर की जाएगी। डोरिया ठाकुर, अपनी औकात में रहो। जे हम अपनी औकात पे आ गए तो आगरे तक खदेड़ दिए जाओगे। महाराणा के इस घमंड को चूर न किया तो हमारा नाम भी मान सिंह नहीं। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध की नींव तो उदय सागर की पाल पर लिखी जा चुकी थी। लोग मुगलों के हरम में अपनी बहन बेटियों को बेचते हैं, उस पे तो मैंने अपना घोड़ा नहीं चढ़ाया तो मैं डोडिया भीम क्षत्रिय नहीं। ये तो युद्ध मैदान में तय होगा। राजपूत राजपूत से लड़ेगा। आपने मुझे किसी खास मकसद के लिए याद किया आलमपना? राणा कीका की जिंदगी को मैदान जंग की गर्त में न छुपा दिया तो हम भी मानसिंह नहीं। मुझे प्रताप चाहिए, मानसिंह प्रताप। राणा कीका तो तेरे सामने खड़ा है, जरा आंखें खोल कर देख। हा, 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 हा। इस रक्त की हर बूंद में प्रताप है, देख सके तो देखे अंधाता। हमारे पास कम योद्धा हैं। प्यारा आजादी का नारा है।
आज आन बान और शान के लिए इन मुगलों को खदेड़ डालो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी मदद के बिना राणा कीका को पकड़ना मुश्किल है नए सेनापति। आपके रहते भी कौन सा पकड़ा गया राणा कीका जनाब? खामोश जनाब शहबाज खान, आप अपनी ईमानदारी की ज्यादा सफाई पेश ना करें। खामोश। आपके आदेश अनुसार मालवा के दंड के 25 लाख रुपए और 20,000 असल रुपया प्राप्त हुई है, ये आप ही का धन है। अन्नता हुकम शिकार उड़ियो उजाड़ के पाचे हुकम। क्या हुआ दादी? हर अंदाजा हो कम दाजी जो कही हो कम। ए एक लगना नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि यादवाएगा हमें छोड़ के जाने वाला जो वसूलों पे जिया उसके गुजर जाने दोस्त तो दोस्त है दुश्मन भी बहुत रोया है याद आएगा हमें छोड़ के जाने शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो